अमेरिकी मीडिया ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये बताने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है कि ये यूक्रेन में युद्ध करने का समय नहीं है। मोदी और पुतिन के बीच समरकंद में हुई बातचीत को मुख्य धारा की अमेरिकी मीडिया ने बड़ी कवरेज दी है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने हेडलाइन दी, मोदी ने यूक्रेन में युद्ध के लिए पुतिन को फटकार लगाई। अखबार ने लिखा, मोदी ने पुतिन को आश्चर्यजनक रूप से सार्वजनिक फटकार लगाते हुए कहा, आधुनिक दौर युद्ध का युग नहीं है और मैंने आपसे इस बारे में फोन पर बात की है। इसमें कहा गया, इस दुर्लभ निंदा के कारण 69 वर्षीय रूसी नेता सभी पक्षों की ओर से अत्यधिक दबाव में आ गए। पुतिन ने मोदी से कहा, मैं यूक्रेन में संघर्ष पर आपका रुख जानता हूं। मैं आपकी चिंताओं से अवगत हूं, जिनके बारे में आप बार बार बताते रहते हैं। हम इसे जल्द से जल्द रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से विरोधी पक्ष यूक्रेन के नेतृत्व ने वार्ता प्रक्रिया छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि वो सैन्य माध्यमों से यानी युद्ध क्षेत्र में अपना लक्ष्य हासिल करना चाहता है। फिर भी वहाँ जो भी हो रहा है हम आपको उस बारे में सूचित करते रहेंगे। ये वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स के वेब पेज की मुख्य खबर थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शीर्षक दिया, भारत के नेता ने पुतिन को बताया कि ये युद्ध का दौर नहीं है। उसने लिखा, बैठक का लहजा मित्रवत था और दोनों नेताओं ने अपने पुराने साझा इतिहास का जिक्र किया। मोदी के टिप्पणी करने से पहले पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन में युद्ध को लेकर भारत की चिंताओं को समझते हैं। अखबार ने कहा, मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन के साथ पहली आमने सामने की बैठक के एक दिन बाद टिप्पणियां की। जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति की तुलना में ज्यादा शांत लहजा अपनाया और अपने सार्वजनिक बयानों में यूक्रेन के जिक्र से बचने की कोशिश की।